18 साल से कभी बैठा नहीं, बिस्तर तक छोड़ खड़ा रहता है ये संत। 2005 में घर को छोड़ा तो परिवार नाराज था, लेकिन अब तब से हासिल की बड़ी उपलब्धि। 24 घंटे खड़े रहकर सारे काम निपटाते हैं संत, और नींद आती है झूले से टेक लेकर सोते हैं। बिना सोए आप कितने दिन तक रह सकते हैं, बिना बैठे कितने दिन तक रह सकते हैं? शायद एक दिन भी नहीं, क्योंकि शरीर फिर जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन एक संत की कहानी कुछ अलग है, जिसकी भक्ति के आगे नींद भी हार चुकी है। शरीर को आराम छोड़कर भगवान की भक्ति में लगा दिया है। संतों की जिंदगी तपस्याओं से भरी होती है, ये आज की बात नहीं है, सदियों से ये परंपरा रही है। चाहे शास्त्रों की बात रही हो या फिर कलयुग की, हर सदी में संतों की तपस्या ने लोगों का दिल जीता है। इसीलिए संतों की पूजा भारत जैसे देश में की जाती है, क्योंकि संत भगवान के दूसरे रूप होते हैं। नहीं तो भला ऐसे कैसे हो सकता है, भारत में बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने जन्म लिया है। अब एक ऐसा ही संत है जो इस समय चर्चाओं में है, बाबा बागेश्वर धाम सरकार की तरह ही। ये संत चमत्कार तो नहीं करता, लेकिन हाँ, इनकी तपस्या बहुत ही चमत्कारी है। इस संत की तपस्या इतनी कड़ी है कि ये जिंदगी के पूरे सुख चैन को छोड़ चुका है। खैर, सुख चैन तो छोड़ना हर संतों के भीतर है, लेकिन इनकी तपस्या कुछ अलग है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, संत की तपस्या इतनी कठिन है कि ना तो बैठते हैं और ना ही बिस्तर पर सोते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिना बैठे और बिना सोए किसी की तपस्या कैसे सफल हो सकती है, और इतनी कठिन तपस्या कि जो कोई नहीं कर पाता, लेकिन ये संत कर दिखाता है, जिसकी भक्ति की महिमा में लोग झूम उठे हैं और हर दिन अचंभित रहते हैं। इनका नाम है महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज, जो 1-2 साल से नहीं बल्कि करीब 18 साल से तपस्या पर हैं। इनकी तपस्या इतनी कठिन है कि जो भी देखता है हैरान रह जाता है। महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज ने जब तपस्या का प्रण लिया था तो उस समय परिवार भी नाराज हो गया था। परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज को रोक नहीं पाया। महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज ने ठान लिया था कि वो तपस्या में जरूर लीन होंगे, क्योंकि हमारे देश में कई सारे साधु संत बाबा हैं जो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। वो हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या करते रहते हैं। साधु संत अपने जप तप को पूरा करने के लिए आखिरी पड़ाव तक कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। वैसे तो देश भर के कई साधु संत कई प्रकार के जप तप करते हैं, कोई धूना तपस्या करते हैं तो कोई अन्न जल त्याग देते हैं। साधुओं को विशेष और कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे ही कोटा में महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज हैं, जो 24 घंटे तपस्या करते हैं। महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज ने बताया कि इंसान जीव जंतु के जन कल्याण के लिए ये तपस्या शुरू की है। 2005 में तपस्या करने का प्रण लिया था, तब से लेकर अब तक लगातार 24 घंटे खड़े रहते हैं और सारे काम को उसी हिसाब से करते हैं जैसा प्रण लिए हुए हैं। महंत आस्थिक गिरी खड़ेश्वरी महाराज ने सहारा लेने के लिए एक झूले का आकार बनाया हुआ है, जिसके सहारे पूरा दिन खड़े रहते हैं। जमीन पर ना ही बैठते हैं और ना ही सोते हैं, खड़े खड़े ही सोते हैं। वैसे तो बहुत कम नींद आती है। बीच में एक बार जब स्वास्थ्य सही नहीं था तब अस्पताल में हुए थे एडमिट, कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पर थे, उसके बाद दोबारा से अपनी यही तपस्या शुरू कर दी।